वेलकम बैक लवली से एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि गॉड और उसके फ्रेंड्स कंपटीशन का रिजल्ट देखते हैं और वो अगले राउंड में पहुंच जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ड्यू बैठा सोचता है कि गलत मैं और गॉड ने बॉयफ्रेंड बनने को कहा था और हमने बालकनी में किस की थी। मेरी पहली किस गॉड के साथ बहुत ही अच्छी थी और वो सोचता है कि एक दिन तो मुझे ये सब कुछ करना ही है तो शर्म किस बात की। पर दूसरी ओर वो सोचता है कि मुझे चीज़ें धीरे धीरे आगे लेकर जानी चाहिए पर मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी उसके दादाजी वीडियो कॉल करके कहते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। ड्यू कहता है हाँ। दादाजी कहते हैं छुट्टियों में घर आओगे। ड्यू कहता है आपको याद है मेरा पड़ोसी। दादाजी कहते हैं हाँ। ड्यू कहता है उसका नाम गॉड है और छुट्टियों में उसने मुझे इनवाइट किया है बैंकॉक जाने के लिए। दादाजी कहते हैं तुम क्या जाना चाहते हो। ड्यू कहते हैं हाँ। दादाजी कहते हैं ट्रिप्स की फ़ोटो भेजना मुझे। ड्यू कहता है पर मैंने अभी सोचा नहीं है जाने के बारे में क्योंकि गॉड के दोस्त भी जा रहे हैं पर मैं अकेले गॉड को जानता हूँ तो पता नहीं कि मैं जाऊँ या नहीं। तभी दादाजी खांसने लगते हैं। ड्यू कहता है आप ठीक हो। दादाजी कहते हैं ये खाकर मुझे थोड़ी खांसी आ गई पर मैं ठीक हूँ। ड्यू कहता है पर आपने तो अभी खाया ही नहीं। दादाजी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद ड्यू गॉड को मैसेज करता है आप आ गए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। गॉड उदासा होकर ड्यू के रूम में आता है पर चोरी छिपे मुस्कुराता है। ड्यू कहता है कि रिजल्ट कैसा था। गॉड कहता है वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ड्यू हैरान होता है। गॉड खुश होकर कहता है कि हम पास हो गए और ड्यू को गले लगाता है। गॉड कहता है क्या तुम मुझे रिवार्ड दोगे यहाँ किस करके। ड्यू कहता है कि पास आओ। गॉड आता है। ड्यू कहता है यहीं वेट करो और आँखें बंद कर लो। गॉड आंखें बंद करके कहता है कि जल्दी करो कोई सच में गाल पर किस चाहता है। ड्यू डॉल को गॉड की गाल पर लगाता है। गॉड कहता है ये क्या था। ड्यू कहता है क्या ये हैप्पी नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। गॉड ड्यू की गाल पर किस करके कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड की स्मेल बहुत ही अच्छी है। ड्यू गॉड को किस करता है। ड्यू को कॉल आती है। ड्यू कहता है मैं अभी लेने आता हूँ। ड्यू खाना लेने जाता है। गॉड एक बुक उठाकर देखने लगता है जिसमें से कुछ नीचे गिरता है। गॉड डायरी उठाकर देखता है जिसमें ड्यू ने लिखा था पी मेरा फर्स्ट लव है। पता नहीं वो क्या सेम महसूस करता है मेरे लिए या नहीं। ड्यू की आवाज़ सुनकर गॉड जल्दी से डायरी रखकर सोफा पर बैठ जाता है। ड्यू गॉड को खाना खिलाता है। गॉड सोचता है वो लड़का ड्यू का एक्स होगा मुझे क्या पूछना चाहिए पर हर किसी का अपना पास्ट होता है पर अभी मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। गॉड कहता है सच। ड्यू कहता है क्या सच। गॉड कहता है सुशी सच में टेस्टी है। ड्यू और खाना उसे खिलाता है। दूसरी ओर बियर और वन कपड़े धोने जाते हैं। वन कहता है कि हमें इन्हें धोना क्यों पड़ता है ये अपने आप साफ़ क्यों नहीं हो जाते। बियर कहता है कि तुम इतने डमी क्यों हो और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद साफ़ कर रहे हो मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। वन कहता है तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो तुम कहीं नहीं जाओगे है ना। बियर कहता है हाँ। वन कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही लक्की होगा मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो मैं जालस हो जाऊँगा। वन बियर के फेस को टच करता है। बियर पीछे हट जाता है। वन कहता है अब टच भी नहीं करने देते और बियर को टच करता है और वो एक दूसरे को टेस्ट करते हैं। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बियर कहता है कि अगर मेरा सच में बॉयफ्रेंड होगा तो तुम क्या करोगे। बियर वन को किस करने लगता है पर वन उसे धक्का देता है क्योंकि पीछे दो लड़के आ रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि बियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बियर कहता है मुझे नींद आ रही थी फ्लोर भी अच्छा लग रहा था तो इसलिए। वो लड़का बियर की ओर हाथ करता है। बियर उसका हाथ पकड़कर उठता है पर बैलेंस बिगड़ने से बियर उस लड़के के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। वन आवाज़ करता है जिससे बियर पीछे हटकर कहता है कि ये तौन है मेरा दोस्त और तौन को कहता है कि ये वन है। तौन कहता है जो चीज़ के बारे में तुमने हेल्प करने को कहा था क्या कुछ पता चला। बियर कहता है ये कौन है इससे नहीं मिलवाया। तौन कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है। तौन का बॉयफ्रेंड कहता है कि तौन ने बहुत ज़्यादा बात की तुम्हारे बारे में। बियर कहता है कुछ बुरा बताया। वन उनके और देखता है। बियर कहता है क्या कहा तुमने उसे। वहीं गॉड प्रैक्टिस करता है। सबके जाने के बाद अकेले वो प्रैक्टिस करता रहता है। घर में गॉड कहता है कि मुझे थोड़ी एनर्जी दो कॉम्पिटिशन के लिए। ड्यू गॉड को गले लगाता है। वो जल्दी से जाते हैं। वहाँ जाकर गॉड मैसेज करता है कि मैं स्टेज के लिए तैयार हो रहा हूँ। स्टाफ कहता है कि तैयार रहो अगला नंबर तुम्हारा है। गॉड देखता है कि स्टिक्स की जगह ब्रश होते हैं। गॉड सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वहीं ड्यू कहता है कि कॉन्सर्ट में चलें। गेम कहता है हाँ मैं भी यही कहने वाला था। ड्यू देखता है कि ड्रमस्टिक उसके पास होती हैं। ड्यू जल्दी से भागता है। गॉड परेशान होता है। बियर ड्रमस्टिक लेकर आता है और कहता है कि थोड़े पुराने हैं पर मुझे यही मिले। वो स्टेज पर आते हैं और परफॉर्म करना शुरू करते हैं। बीच में ड्रमस्टिक टूट जाती है। सभी गॉड की ओर देखते हैं। ड्यू स्टिक्स लेकर आता है। गॉड ड्यू के सिर पर किस करता है और स्टिक्स लेकर चला जाता है और वो परफॉर्म करते हैं। होस्ट कहता है जो बैंड आगे जा रहे हैं उनमें गॉड के बैंड का नाम भी होता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ड्यू कुछ कर रहा होता है। गॉड आकर उसे कैब बुलाता है और उसके पास जाकर उसके हेडफोन उतार देता है। ड्यू कहता है कि सब काम हो गया। गॉड कहता है हाँ। ड्यू कहता है आज तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। गॉड कहता है थैंक यू और क्या सेलिब्रेट करें। ड्यू कहता है आप अपने दोस्तों के साथ नहीं करने वाले। गॉड कहता है मैं उनके साथ कल कर लूँगा आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम क्या खाना चाहती हो।
ड्यू कहता है आप डिसाइड करिए। खाना खाने के बाद ड्यू की माँ उसे कॉल करके कहती है तुम ट्रिप पर जा रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। ड्यू कहता है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। माँ कहती है किनके साथ जा रहे हो, उनके नाम बताओ, कितने दिन के लिए जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। ड्यू कहता है वो प्रे जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो मेरा पड़ोसी है मैं उनके साथ जा रहा हूँ, 2 रात और 3 दिन के लिए। माँ कहती है अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। ड्यू कहता है मैंने कहा मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। माँ कहती है कि मुझे लगता है अच्छा होगा तुम मत जाओ। ड्यू कहता है मैं आपकी परमिशन नहीं मांग रहा। माँ कहती है एक बार मेरी बात मानो। ड्यू कहता है मैं हमेशा से आपकी बातें मानता हूँ, आप मेरी बात मानना शुरू करिए। माँ कहती है अगर तुम्हारा डैड होता सब आसान होता तुम उसकी बात मानते। ड्यू फोन काट देता है और आकर बैठ जाता है। गॉड कहता है तुम ठीक हो, अगर चाहे तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ड्यू कहता है मैं आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। गॉड कहता है क्या सच में। मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, उसे बहुत सारी जगह पता है जहाँ कुंशाय रह सकता है। ड्यू याद करता है जब उसने पजल सॉल्व की थी। उसके बाद गॉड ड्यू के रूम के सामने मास्क पहनकर आकर कहता है क्या मैं कूल हूँ। ड्यू कहता है हाँ पर ये मास्क क्यों पहना है। गॉड कहता है चाहे मेरा हैंडसम फेस मास्क से ढका है पर ये मेरा प्यार नहीं कवर कर सकता जो तुम्हारे लिए है। ड्यू स्माइल करता है। गॉड कहता है मैं लाइक करता हूँ जब तुम ऐसे स्माइल करते हो, मेरा दिल पिघल जाता है। ड्यू कहता है कि आपने उस दिन कंसर्ट में मास्क क्यों पहना था। गॉड कहता है मैं चांस मिस नहीं करना चाहता था अपनी स्किल्स दिखाने का और ये प्रूव करने का कि मैं सच में किसी से प्यार करता हूँ। ड्यू कहता है मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और गॉड को किस करता है। गॉड का मास्क उतारता है और वो दोनों किस करते हैं। गॉड कहता है अगर नींद ना आए तो मेरा फेस याद कर लेना। ड्यू कहता है मुझे तो मास्क याद आएगा। गॉड कहता है मैं अपने रूम में वापस नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें गले लगाकर सोना चाहता हूँ। ड्यू कहता है कि कल मिलेंगे, अपने रूम में जाइए। गॉड बहुत ही मुश्किल से अपने रूम में जाता है। अगले दिन वो बाइक पर आते हैं। गॉड कहता है कि ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो। ड्यू कहता है हाँ पर मैं कुंशाय को मिस करूंगा। वो कुंशाय को छोड़कर पैसे देने जाते हैं। पी कहता है टर्टल है। नर्स कहती है हाँ कुंशाय है, वो अभी से छोड़कर गए। पी कहता है क्या वो ड्यू है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।